दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो देखने के बाद कस्टमर को 3 क्रेडिट कार्ड मिल गया, बीओबी बैंक का 75,000 लिमिट और एसबीआई बैंक का 50,000 लिमिट और एक्सिस बैंक का 15,000 लिमिट। अभी बोलते हैं कि भैया हम आपका वीडियो देखे और हमें कार्ड मिल गया, जो कि 3 कार्ड मिला। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जो मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं उनको क्रेडिट कार्ड कैसे मिल जाता है और क्रेडिट कार्ड पाने के लिए सही तरीका क्या है। इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं अपने व्यूवर्स का पूरा डिटेल्स, जो कि आपको जानने को मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे व्यूवर्स हैं, इनकी लिमिट जो है करीबन एसबीआई का 50,000, एक्सिस का 15 और बीओबी का 75,000 के लिमिट है, जो कि इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके ईमेल करके बीओबी का डिक्लाइन क्रेडिट कार्ड अप्रूव करवा लिया। और कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने जो है कुछ किया भी नहीं, कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया और कार्ड को अप्रूव करवा लिया। तो इस तरीके से इन्होंने कार्ड तो पा लिया, इन्होंने ईमेल भी किया कि मैं आपका वीडियो देख के क्रेडिट कार्ड पा लेता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ और मिल भी गया। और इन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियो जरूर बनाएं, तो हम वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिए। यहाँ पे एक सवाल आ चुका है कि मेरा वीडियो देखने पर क्या क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो देखने पर क्रेडिट कार्ड आपको 100% नहीं मिलेगा। मैं आपको बता, जो सच्चाई है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। किसी की तरह मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो क्लिक करो आपको कार्ड मिल जाएगा। कार्ड आपके डिटेल्स, आपके इनकम ब्यौरा या आपके रिकॉर्ड या आपके सिविल बेस पे कार्ड आपको मिलता है। मेरा काम है आपको एक सही मार्ग और सही रास्ता बताना। बट सो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मात्र करीबन 25 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट देख लेते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं और वीडियो कट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप मेरा नहीं, किसी भी ऐसे यूट्यूबर का जो आपको सही तरीके का अगर जानकारी दे रहे हैं, आपको अगर लगता है तो आप वीडियो पूरा देखें। इससे क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में आपको जानने को नहीं मिलेगा और आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको बीच में देखने को मिलेगा। इससे आप कुछ सीख कर जाओगे और आप कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की वीडियो को नहीं देखता हूँ, मैं भी काफ़ी लोग के वीडियो देखता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिवेट रहता हूँ, ऐसा नहीं है। बट रियलिटी ये है, चीज़ों को समझना चाहिए। तो सो यहाँ पे इन्होंने हमको बताया कि मैं आपका वीडियो देखकर अप्रूव कार्ड करवा लिया, मैं इन्हें दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। बट जो सच्चाई है वो मैं शेयर करता हूँ कि मेरा वीडियो आपने देखा जरूर, पर क्रेडिट कार्ड मिला आपके रिकॉर्ड आपके डॉक्यूमेंट बेस पे। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरा काम है सिर्फ आपको एक सही चीज़ बताना। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी का वीडियो देखते हैं, अगर वो वीडियो आपको सही लगता है तो उस वीडियो का पूरा देखें। आधा वीडियो देखने से आपको कभी कोई चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं, क्योंकि कोई पेट सीखकर नहीं आता है। जो कुछ सीखता है इंसान एक दूसरे का देखकर सीखता है, कुछ करके ही सीखता है। तो ये बातें आप लोग याद रखना, काफ़ी लोगों को ये बातें बुरी लगेगी, मैं उनकी सोच को नहीं बदल सकता। आज इनको अच्छी लगी, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, क्रेडिट कार्ड अगर डिक्लाइन होता है चाहे बीओबी बैंक का, तो एक बार आप ट्विटर पर जरूर मेल करें चाहे किसी बैंक का, क्योंकि ट्विटर पर रिप्लाई जल्दी आ सकता है बैंकों की तरफ से। और एक बार मेल भी आप करके जरूर देखें, सब कुछ कर ले तो आप एक बार उनको डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट जरूर कर दें, चाहे किसी बैंक का। देखो इसमें कोई आपका लॉस नहीं है, 100-150 रुपये जाते हैं, बट हमें लगता है कि एक बार मेहनत करने में क्या जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।